इसको चिकना फिश फ्राई बोलते हैं, और इसको आप चिकने में खा सकते हैं। देखिए शानदार जो है बन के तैयार हो चुकी है। वाह वाह, ओए होए 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 होए, क्या बात है। एक बार में इतनी सारी फ्राई हो चुकी है, और बाकी जो बची हुई फिश है उसको भी इसमें डाल के फ्राई करते हैं। शानदार जो है चिकने वाली जो है क्रिस्पी फिश जो है नींबू के साथ, तो कहते हैं ना चार चांद लग जाना, चार चांद लग जा रहा है। हरी चटनी इसको लगा के देखते हैं, हरी चटनी के साथ इसका स्वाद कैसा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। आज हम लोग बनाएंगे बढ़िया रो फिश की कुरकुरी फिश। ये देखिए शानदार, हमने रो फिश लिया हुआ है, इसके छोटे छोटे पीस करवा लिए और करीब 1 किलो है, तो इसको हम लोग बढ़िया से फ्राई करेंगे कुरकुरी एकदम से फ्राई, एकदम बिल्कुल देसी मसालों में, बिहारी स्टाइल में। तो देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो फिश को हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया देखिए, और अब देखते हैं कि क्या क्या मसाले इसमें हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास ये मसाले हैं, जिसमें ये 2 हरी मिर्च हैं, ये कुछ मरीच हैं, और ये आपका 1 चम्मच के आसपास जीरा है, 2 लाल मिर्च है, और यह 2 चम्मच पीली और काली वाली सरसों है, और 1 चम्मच है साबुत धनिया है, और 2 ये जो लहसुन, इसको हम लोग छील लेंगे, और छील के इसको मिक्सर जार में डाल के बढ़िया सा एक महीन सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए मसालों को हमने मिक्सर जार में पीस लिया और एक महीन पेस्ट बन गया है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे, और ऐड करके मिक्सर जार में फिर से इसको 1-2 बार और पीस लेंगे। तो इसमें करीब हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और ये जो है 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालते हैं, और डाल के इसका एक, ये देखिए इन सारे मसालों को हमने पीस लिया है। अब इसको हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं और आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मसाला जो है तैयार हो चुका है, अब इसमें कुछ और चीज़ें मिलाते हैं। इसमें करीब हम लोग 2 चम्मच के आसपास चावल का आटा और बेसन, ये दोनों मिला हुआ है इसमें, इसको मिलाएंगे। और साथ में थोड़ा सा इसमें नमक भी मिला देंगे, 1 चम्मच के आसपास नमक। तो और मिलाने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया जाएगा इन मसालों को। तो ये देखिए अपना मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आगे इस फिश पे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ये मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए सारे मसाले अच्छे से फिश पे हमने लगा लिए हैं, और इसको करीब हम लोग 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये अपना जो फिश है उसको रखे हुए करीब करीब 10 मिनट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और साथ में ये थोड़ा सा चाट मसाला है 1 चम्मच, उसको भी इस पे डाल देते हैं। और इसके साथ ये जो मसालों का पेस्ट बनाया था इसको भी इसमें मिला लेंगे। अब इसको सारे पीसेस पे अच्छे तरीके से लगाया जाएगा। देखिए ये देखिए ये सारे मसाले जो हैं पीसेस पे अच्छे तरीके से लग गए हैं। अब इसको भी हम मसाला लगा के करीब 10 मिनट के लिए रख देंगे, और फिर इसको हम लोग फ्राई करेंगे।
मछली को रखे हुए करीब करीब 10 मिनट हो चुका है। इस पर देखिए कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है, उसमें सरसों का तेल डाला है। फिर ये देखिए अपना तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकलने लगा है। इसमें ध्यान रखेंगे कि इस तेल को तब तक गर्म करेंगे जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे, जो फिश आप डालेंगे इसमें चिपकने। अब एक एक करके जो है फिश मसालों के साथ इसमें डालते हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा ही करके फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारी फिश जो है एक तरफ से जो है बढ़िया फ्राई हो चुकी है, इसको पकड़ देते हैं एक करके। ये देखिए शानदार जो है कलर आ चुका है, अब इसको हम लोग पलट देंगे दूसरे तरफ से भी। इसको इतना शानदार कलर आया है और हमारी फिश टूटी भी नहीं है कहीं से भी, और बहुत शानदार तरीके से फ्राई हो गई इस टाइप से। चेक करते हैं दूसरे तरफ से फ्राई हुआ है, दूसरे तरफ से भी बढ़िया फ्राई हो चुका है। तो देखिए ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, अब एक एक करके इसमें से निकाल देते हैं। ये देखिए शानदार जो है क्रिस्पी जो है फिश हमारी जो है एक बार में इतनी सारी फ्राई हो चुकी है। अब बाकी जो बची हुई फिश है उसको भी इसमें डाल के फ्राई करते हैं। तो बची हुई जो फिश है उसको भी इसमें डालते हैं, अंडा को उसको भी फ्राई करते हैं। एक तरफ से हो चुका है, इसको पलट लेते हैं और पलट के दूसरे तरफ से भी फ्राई करते हैं। देखिए दूसरे तरफ से फ्राई हो चुका है, इसको एक एक करके निकाल लेते हैं। शानदार जो है शानदार ये जो है चिकने वाली जो फिश है वो फ्राई हो चुकी है, शानदार चिकना बन के तैयार हो चुका है। देखिए दूसरे तरफ से भी ये बची हुई फिश जो फ्राई हो चुकी है इसको निकालते हैं। तो देखिए शानदार जो है फिश को हमने फ्राई कर लिया है और यह बढ़िया जो है चिकने में खाई जाएगी। शानदार फिश जो है एकदम कुरकुरी जो है फ्राई हुई फिश की, मसाले देखिए इसमें कितना शानदार लगे हुए हैं। तो इसको रख देते हैं और साथ में बढ़िया चटनी धनिया की तैयार करते हैं, उसके साथ इसको हम लोग देखेंगे इसका। ये देखिए अपनी शानदार जो है क्रिस्पी फिश करी जो है बनकर तैयार हो गई, इसको प्लेट में लगा लिया है और ये शानदार जो है चिकने वाली जो है क्रिस्पी फिश जो है तैयार हुई है, कुरकुरी एकदम से शानदार ये अपना फिश, और साथ में प्याज और ये जो है धनिया हरी मिर्च की चटनी और साथ में कुछ नींबू। अब इसके साथ इसको हम लोग खा के देखेंगे और इसका स्वाद कैसा है। ये अपना प्लेट जो है लग के तैयार हो चुका है,
इसमें शानदार, देखिए ये शानदार जो है क्रिस्पी जो है फिश फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। इसको देखिए तोड़ के देखते हैं कितना शानदार क्रिस्पी बना हुआ। ये देखिए शानदार। अब इसका स्वाद लेके देखते हैं कैसा है। जबरदस्त मस्त स्वाद है। और इसमें जो सरसों वाले मसाले डाले थे उसका पूरा स्वाद जो है बन के आ रहा है। ये देखिए साथ में प्याज, हरी चटनी इसको लगा के देखते हैं हरी चटनी के साथ इसका स्वाद कैसा है। बढ़िया, एक नंबर, एकदम से बढ़िया फ्राई हुआ। देखिए बहुत आसान तरीका है, आराम से इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत जल्दी बढ़िया सा क्रिस्पी फिश फ्राई आप तैयार कर सकते हैं। और इसको आप थोड़ा इसको चटनी लगाते हैं। वाह, जामलेवा तैयार हुआ है। वाह, ये रोहू खुशियत देखिए, इसमें कांटे बहुत कम होते हैं और करीब 1.5 किलो की एक थी, तो जो भी कांटे हैं काफ़ी मोटे मोटे हैं तो पता चल जा रहा है, तो इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। खाएंगे और उसके साथ जो है प्याज और धनिया की हरी चटनी, क्या कहना, वाह वाह। ये देखिए ये जो है पेटी वाला पीस होता है, इसको बोलते हैं मछली के पेटी का पीस, और इसमें जो है यही दो कांटे होते हैं, इसके अलावा कोई भी कांटा नहीं होता है। तो इसको आप और थोड़ा सा नींबू इसको डालते हैं इस पर। ये देखिए और साथ में ये चटनी और उसके साथ, वाह क्या बात है, जबरदस्त। एक पीस और, ये देखिए, वाह वाह, ओए होए 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 होए, क्या बात है। तोड़ते हैं और उसमें से जो काटे इस तरह निकालते हैं, निकालने के बाद इस पे थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा नींबू का रस और साथ में ये प्याज। अब इसके साथ इसको बनाते हैं। मजा आ गया, क्या बताएं, जबरदस्त स्वाद। ये देखिए दोस्तों, चिखने वाली जो फिश फ्राई है इसको चिखना फिश फ्राई बोलते हैं, और इसको आप चिखने में खा सकते हैं। देखिए शानदार जो है बन के तैयार हो चुकी है, क्या बात है। ये देखिए चिखना फिश फ्राई, खास में हरी चटनी और
प्याज और थोड़ा सा नींबू का रस। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, क्या बात है। चिकना फिश फ्राई, जबरदस्त। देखिए मसाले जैसे लग रहा मछली के अंदर घुल गए हैं। उसको लगा के जो आधा घंटा हमने उसको रखा था तो पूरा जो मसाला है मछली के अंदर तक चला गया है। तो मछली के अंदर पूरे मसालों का स्वाद मिल रहा है। वाह 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 वाह। और रोहू किसका, जो रोहू मछली होती है उसका स्वाद ही अलग होता है। कहा जाता है हमारे तरफ मछली का राजा जो होता है रोहू। वाह। चलिए दोस्तों, बाकी हम फिनिश करते हैं, आप लोग इंजॉय करिए।